हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने एक अपना वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विदेश व्यापार कैसे शुरू करें, और उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करना है, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है। उसके बाद कुछ प्रश्न हमारे सामने आए जिसमें पूछा गया कि हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर, विदेश व्यापार में ग्राहक कैसे ढूंढें, उससे रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने बनाकर अपलोड किया। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने बिजनेस का सेटअप तो कर लिया, इंटरनेशनल बायर कैसे ढूंढें ये तरीका तो समझ लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोडक्ट का चयन कैसे करें और ये कैसे निर्धारित करें कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड किस कंट्री की मार्केट में कब और कितनी होगी। तो आइए समझते हैं इस बात को। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ आपका प्रोडक्ट, ये कैसे सिलेक्ट करें कि कौन से प्रोडक्ट में हमें ट्रेड करना चाहिए। दूसरा, उस प्रोडक्ट से संबंधित मार्केट हमारी कौन सी है, मतलब किस बाज़ार में आपको ट्रेड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, जब आप ये समझना चाहते हैं कि किस प्रोडक्ट में डील करूँ और किस मार्केट में डील करूँ, तो वहाँ पर आपको कुछ रिसर्च और एनालिसिस करने होते हैं जिसके आधार पर आप निर्धारित कर पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस बाजार में बिकने के लिए तैयार होता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए कि आज बहुत सारे प्रोडक्ट या बहुत सारे बिजनेसेस सीजनल होते हैं, कि कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड किस किस सीजन में जनरेट होती है, मतलब हमारे देश में भी अगर बात करें तो किस समय में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और किस समय में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक उसी तरह से विदेश व्यापार में भी हमें देखना होता है कि किस किस प्रोडक्ट की डिमांड किस किस कंट्री में किस किस मौसम में होती है, तभी आप समझ पाते हैं कि मुझे किस प्रोडक्ट में डील करना है और उस प्रोडक्ट के लिए सही मार्केट कौन से देश की होगी। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है सरकारी योजनाओं के लाभ। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सरकारी योजनाएं देती हैं, सब्सिडीज देती हैं और लाभ देती हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री में बेचने के लिए आपको कितनी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, वो एक तरह से आपका अतिरिक्त प्रॉफिट होगा। उदाहरण के लिए बात करते हैं, मान लीजिए हमारे देश में वूलन का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो बहुत सारी कंट्रीज जहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है वहां पर वूलन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट हमें वूलन को मैन्युफैक्चर करने के बाद या प्रोड्यूस करने के बाद एक्सपोर्ट करने की परमिशन तो देती है, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा मार्जिन के रूप में, सरकारी योजनाओं के रूप में, सरकारी योजनाओं के लाभ के रूप में या सब्सिडी के रूप में भी कुछ प्रतिशत एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बाजार में बेचने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिट के अलावा एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग डिमांड होती है, मतलब हो सकता है कि चावल का उत्पादन जो हमारे देश में होता है उसकी डिमांड रशिया में अलग हो, उसकी डिमांड जर्मनी में अलग हो, उसकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में अलग हो। तो आपको ये चयन करना होगा कि जिस प्रोडक्ट का उत्पादन आप कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की किस किस कंट्री में कितनी कितनी डिमांड है, ये आप रिसर्च एनालिसिस के माध्यम से कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल पर आप सर्च कीजिए द राइस डिमांड इन रशियन कंट्रीज, द राइस डिमांड इन ग्लोबल मार्केट, तो आपको एक रिसर्च आ जाएगा कि ग्लोबल मार्केट में कौन कौन से देश में राइस की कितनी कितनी डिमांड है। इस रिसर्च को पढ़ने के बाद, इस रिसर्च को चेक करने के बाद आप आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मटेरियल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको किस देश में एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। आपका ग्राहक जिस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को चाहता है, क्या आप उतनी प्रोड्यूस करने में सक्षम हैं, मतलब क्या आप उतना उत्पादन कर सकते हैं कि आप अपने कंज्यूमर की डिमांड को पूरा कर सकें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या आप उस गुणवत्ता को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तभी आपको उस मार्केट को रिसर्च करके उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा ये प्रोडक्ट किस कंट्री में, किस क्वालिटी में, किस स्टैंडर्ड को मैच करता हुआ मैं आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज रिसर्च कि कौन कौन से प्रोडक्ट को लेकर कितना कितना मार्केट कॉम्पिटिशन है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स हैं, जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपका कंज्यूमर
बहुत अधिक डिमांड करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, बहुत सारे ट्रेडर, बहुत सारे होलसेलर डायरेक्ट भी एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। और जब मैन्युफैक्चरर से लेकर एक ट्रेडर तक डायरेक्ट एक्सपोर्ट मार्केट में करता है तो वहाँ पर प्राइस वॉर शुरू हो जाता है। तो आपको ये भी देखना होगा कि जिस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर करंट कॉम्पिटिशन कितना है। नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब आप काम करते हैं तो आपके प्रॉफिट के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसीलिए रिसर्च करें, ये एनालाइज करें कि किस प्रोडक्ट की कहां कहां पर कितनी डिमांड है और किस किस प्रोडक्ट में कितना अधिक कंपटीशन है। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट का चयन करें, ऐसी कंट्री का चयन करें जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड तो हो लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब बहुत सारे अलग अलग देश उस तरह के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ना करते हों ताकि कॉम्पिटिटिव प्राइस को आप बीट कर पाएँ। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ, पूरे ग्लोबल ट्रेड में सबसे ज़्यादा डिमांड स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स की है। तो आज बहुत सारी कंट्रीज़ स्टील प्रोड्यूस करती हैं, स्टील सेल करती हैं, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। और चाइना एक ऐसा कॉम्पिटिटिव रेट मार्केट में लेके आता है कि एक इंडियन मैन्युफैक्चरर स्टील प्रोडक्ट बना के कॉम्पिटिटिव प्राइस पर किसी कंट्री में सेल नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना स्टील प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। इसीलिए आपको ऐसे प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए जहां पर बहुत सारी कंट्रीज़ उस तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ना कर पाती हूं। एंड द नेक्स्ट, शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हैं, जिस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी एक्चुअल में शेल्फ लाइफ कितनी है, मतलब कितने समय तक वो प्रोडक्ट स्टोर किया जा सकता है। बहुत सारे गुड्स पेरिशेबल गुड्स होते हैं, मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन की टाइम से लेकर और एक्सपोर्ट तक का जो समय होता है वो बहुत कम आपको मिलता है। वहाँ पर आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं। तो आपको ये चयन करना चाहिए कि आप किस तरह के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यदि आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है तो वहाँ पर आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्शन से लेकर और डिलीवरी तक का टाइम बहुत लिमिटेड आपको मिलता है। जहाँ सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है वहाँ थोड़ा सेल्फ टाइम आपको ज़्यादा मिलता है, आप आसानी से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट ड्यूरेबल हैं उनको आप हाईली प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग या जब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, जब आपको ज़्यादा प्राइस मिले, तब आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ क्या है। फ्रेंड, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ये महत्वपूर्ण बात भी याद रखनी पड़ेगी कि जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं क्या वो वन टाइम यूजेबल प्रोडक्ट है या आपको रिपीटेशन ऑफ ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी डिमांड एक एंड यूज़र आपसे एक बार करता है, तो ऐसे में आपको हर बार नया ग्राहक ढूंढना होगा, मतलब व्यापार को सेट करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इस तरह का है जहां आप एक रेगुलर डिमांड जनरेट कर सकते हैं या B2B सप्लाई कर सकते हैं, तो उस केस में आप अपने बिजनेस को कम समय में ज़्यादा स्टेबल बना पाएंगे और आपको रिपीटेशन ऑफ ऑर्डर्स मिलते जाएंगे और नया बिजनेस ढूंढने पर आपका बिजनेस एक अच्छा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सर्वाइवल बिजनेस बन जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड द रेशियो ऑफ मार्जिन। आपको ऐसे प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए जिसका प्राइस इस तरह का हो जहां पर लेवल ऑफ मार्जिन आपको अधिक मिलता हो, और ये संभव है ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, मेक टू ऑर्डर होते हैं। वहां पर कोई भी प्राइस फिक्स नहीं होता, प्राइस डिसाइड करना डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है कि उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और कितना प्रोडक्शन पीछे से हो रहा है, मतलब सप्लाई आ रही है। इसीलिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स का चयन करना चाहिए जहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा हो, और अगर उस प्रोडक्ट में गवर्नमेंट की सब्सिडी या ड्रॉबैक ड्यूटी भी मिलती है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए किसी मार्केट का चयन करें तो आप कौन कौन से रिसर्च करें, कौन कौन से एनालिसिस करें। इन रिसर्च एंड एनालिसिस को आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट DGFT की साइट पर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ भी आप देख पाएंगे कि किस किस कंट्री में किस किस तरह के प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी या ड्रॉबैक ड्यूटी देती है। फ्रेंड्स, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो में अपने बोलने की स्पीड को थोड़ा तेज़ रखा है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें।
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से संबंधित प्रीवियस दो वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से संबंधित जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पेमेंट प्रोसीजर करते हैं या शिपमेंट करते हैं तो हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो विदेश व्यापार करना चाहते हैं या विदेश व्यापार में ग्राहक ढूंढना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि कौन से बाजार में उनको ट्रेड करना चाहिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने साथियों के साथ जो विदेश व्यापार करते हैं या करना चाहते हैं ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब हम इस वीडियो को शेयर करेंगे तो विदेश मुद्रा एक्सपोर्ट के माध्यम से भारत में आएगी और भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बन के पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकेगा। फिर हम दोबारा कहेंगे कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। बिजनेस से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बिजनेस से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें लिखकर जरूर बताएं। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।